फौजी साहब, सीएम साहब, नीतीश कुमार, जंगल राज दिखा दिए सर, सब दिन आपको वोट दिया मेरा परिवार, प्रधानमंत्री साहब, रक्षा मंत्री साहब, सेना के सभी जवान, मेरा मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बड़ा ही गंभीर एक मुद्दा है, सोचा आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शायद देश के मीडिया को समय नहीं है कि ऐसे गंभीर मुद्दों को अपने चैनल पर दिखाए, स्ट्रीम मीडिया में दिखाए, ताकि आवाज़ दूर तक पहुँचे और उसकी बिल्कुल सीरियसनेस के साथ जांच हो सके। पहले इस क्लिप को देखिएगा, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ। पहले मैं बता दूँ कि इसमें मुद्दा क्या है। ये बिहार से इस वीडियो को ताल्लुकात बताया जा रहा है, और ये जो फौजी है, इनके परिवार में इसके पिताजी को गोली मार दी गई, इनके भाई को पेट्रोल पिला पिला के मार दिया गया, इनकी वाइफ के साथ जो है गलत काम करने का पूरा प्रयास किया गया। इसी झड़प के दौरान जब दबंगों से इनके फैमिली का झगड़ा हो रहा था, तो ऑपोजिट पार्टी का एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने इनके बचे हुए फैमिली में जो बचे हुए फौजी, इनको उठा के जेल में डाल दिया। इनके भाई और इनके पिताजी के अंतिम संस्कार में भी इनको आने की परमिशन नहीं दी गई। उनकी वाइफ ने जाके चुपचाप ये जेल में फटाफट से वीडियो बनाया था कि ये हम तक, सभी फौजी ग्रुप्स तक पहुँचे। कब तक ये 2-3 दिन से फौजीज के ही ग्रुप में घूम रहा था, देश के फौजियों के ग्रुप में घूम रहा था। लेकिन इसको सबसे पहले पोस्ट किया मैंने अभी जब मुझे ये मिला अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि बिल्कुल बिना किसी वाटरमार्क के, आप चाहें तो उसको वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। और दूसरे इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को पूरे को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मिनिस्ट्री तक, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तक, और साथ ही साथ देश के बड़े स्ट्रीम मीडियाज़ तक इस वीडियो को पहुँचाएं। आज तक जी न्यूज़ का नाम लिया है, इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, रिपब्लिक भारत है, NDTV है, ABP न्यूज़ है, या जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, बड़े बड़े स्ट्रीम मीडियाज़ हैं, News18 है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी शम्स ताहिर खान क्राइम रिपोर्ट्स आप बहुत दिखाते हैं, आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस जवान को इंसाफ दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान दीजिए। मेरा ये वीडियो रविंदर फौजी साहब, सीएम साहब, नीतीश कुमार, जंगल राज दिखा दिए सर, सब दिन आपको वोट दिया मेरा परिवार, प्रधानमंत्री साहब, रक्षा मंत्री साहब, सेना के सभी जवान, मेरा मदद कीजिए, मेरे पूरे परिवार को उल्टा फंसा दिया है, सब कुछ नोच लिया, कुछ नहीं बचा, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा वंश उजाड़ दिया, 2 घर मेरा पुश्तैनी घर है, उसको भी अब लूट लेगा या आग लगा देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, लोग पूरा महत्व समाज में रह गए, इनसे कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, न प्रशासन, न SP, न DSP, न कलेक्टर, कलेक्टर साहब के तो गोड़ पे गिरे रहे कि मेरे परिवार को निकाल लीजिए, लेकिन जब तक मेरे घर का हर एक मर्द नहीं मर गया, तब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, सबको मरने दिया गया। पहले बताओ ना, जे जे करना चाहो ये सब शेयर करवे, फिर सबके पास मेरा वीडियो शेयर कीजिए, हम निर्दोष हैं, हम कुछ नहीं किए हैं, हम तो कलेक्टर साहब के पास थे, हम गोली नहीं चलाए, अगर हम गोली चलाए हैं, अगर मेरे हाथ से मरा है तो हमको फांसी पे टांग दीजिए, लेकिन हम कुछ नहीं किए, मेरा यकीन मानिए, सब दोस्त कुंदन का दोस्त मदद करो, हर जगह शेयर करो, इसको पहुंचाओ सब जगह, मेरा पूरा परिवार को जड़ दिया, मेरे छोटे भाई को दौड़ा दौड़ा के मार, हम लोग के पास सामान में एक लाठी तक नहीं था, लड़ने के लिए रहता तो अपना सेल्फ डिफेंस में, मेरा भाई नहीं बचाता, एक दुखों को नहीं मारता, मेरा पिता नहीं मारता, मेरे पिता को यहाँ पे गोली मारा, भाई को पेट्रोल पिला पिला के रपेट रपेट के दौड़ा दौड़ा के घर में दौड़ा दौड़ा के मारा है, मेरे पत्नी का इज्जत लूटने का कोशिश किया, जो सदर अस्पताल में न्यूज़ वाले को रिपोर्ट दे रहा है, वही बूढ़ा, वही मेरी पत्नी को रेप करने का कोशिश किया, 2 साल की बेटी को पटक दिया, 2 महीने के बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसको भी फेंक दिया, मेरा पूरा वंश उजाड़ने के लिए था, मेरे CEO साहब मदद कीजिए, मेरा SM साहब मदद कीजिए, रविंदर फौजी साहब मेरा मदद कीजिए, मेरी बहन अभी भी एडमिट है, मेरी माँ अभी भी मौत से लड़ रही है, कोई नहीं बचेगा, सबको मार दिया है, हम बच्चे हैं, हमको उल्टा केस में फंसा दिया है, हम कुछ नहीं किए हैं, हम निर्दोष हैं, मदद कीजिए, मेरा मदद कीजिए, सब तक इसी वीडियो को पहुंचाइए, रोड पर उतरिए, कुंदन का दोस्त,
सब कुंदन के लिए इंसाफ मांगिए, इतना अच्छा लड़का था, कितने लोग का मदद किए, कोई तो हम लोग का मदद कीजिए, कितना लोग का मदद किए, कोई तो मेरा मदद कीजिए, मेरे परिवार का मदद कीजिए। उस दिन मेरा भाई रात भर सबको फोन करते रह गया, यहाँ के सांसद प्रणव जी मदद कीजिए, कुंदन कैसा लड़का था आपको पता है सर, आपको बुलाया, अब ये थोड़ा सा गांव में आग लगा था तो कैसे आपको तुरंत फोन करके बुलाया, बड़ा गांव वालों का मदद करवाया, ऐसा लड़का कोई मत हो समाज चाहे समाज ने आपसी रंजिश में नहीं छोड़ा, उन्हें मदद कीजिए। मीडिया जी टीवी सुधीर चौधरी साहब आज तक प्लीज मेरे परिवार से मिलिए, मेरा घर दिखाइए कैसा दशा कर दिया, मेरे परिवार को दिखाइए, मदद कीजिए। दोस्तों ने दिया, आप देख रहे हैं पहली बार अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब करना ना भूलें, देश के हित में जवानों के हित में यहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है, इस चैनल की ताकत बने और ऐसे ही देश के साथ कंधे से कंधा मिला के एक साथ चलते रहें। ख्याल रखिएगा अपना और भाई को इंसाफ दिलाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।